नमस्ते दोस्तों, बस्तर दरगाह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ढाबा स्टाइल अंडा आलू की करी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं अंडा करी में डालने के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। मैंने आधा इंच अदरक लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है, और दो हरी मिर्च लिया है। 10 से 12 हम लेंगे लहसुन की कलियाँ। सबको हम इस प्रकार बारीक कूट लेना है। इसको बहुत अच्छे से कूटना है, जिससे कि कुछ भी बड़े पीसेस ना रहे। अब इसमें अंडा करी में डालने के लिए मैं एक मसाला बना रही हूँ। 1 चम्मच मैंने खड़े धनिया लिया है, और 5 हरी इलायची ली है, 15 से 20 मैंने काली मिर्च ली है। अंडा करी में मैं अलग से एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं करूँगी। इन मसालों को मैं ड्राई रोस्ट नहीं कर रही हूँ, ऐसे डायरेक्ट मैं मिक्सी में पीस रही हूँ। मैंने 5 टमाटर लिए हैं, ये टमाटर मीडियम साइज़ के हैं। टमाटरों को मैं मोटे साइज़ में काट रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे बारीक पीसना है। साथ में मैं 2 हरी मिर्च ले रही हूँ, और फिर 1/2 इंच अदरक ले रही हूँ। इन सभी को मुझे बारीक पेस्ट बनाना है। हरी धनिया मैंने डाला है, और हरी धनिया की डंठल का भी मैं यूज़ कर रही हूँ। नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच। 1 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर। अब बस इसको हम बारीक पीस लेना है। हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अंडा करी में डालने के लिए मैं 4 प्याज ली हूँ, और मैं इनको बारीक बारीक काट रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है, और इसमें खड़े जीरा डाल रही हूँ 1 चम्मच। जीरा के चटकने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, पेस्ट बनाया है उसको डाल रही हूँ, प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमको प्याज को बहुत अच्छे से भूनना है, प्याज की लाल होते तक हमको भूनना है। टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया है डालकर हमको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ढककर इसे पकने देना है। 15 से 20 मिनट आपको लग जाएंगे मसालों को भूनने में। अंडा को 4 से 5 बार हमको इस प्रकार कट करना है। मैंने यहाँ 2 आलू लिए हैं। आलू को मैंने साथ में बॉईल कर लिया था, और मैं इसे बस हाफ कट करूँ। डाला है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और स्वादानुसार नमक डाला है 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। सभी को आपस में मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। धनिया, काली मिर्च और इलायची का मैंने जो पीस कर मसाला बनाया है, उसे मैं अब डाल रही हूँ। मैं आंच पर पकने दूंगी। अब मैं कढ़ाई को साइड में रख रही हूँ। अंडा को फ्राई करना है अब मुझे। मैंने ऑयल डाला है, मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। हमें अंडा को डालना है। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच, साथ में मैं आलू को डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि पूरे अंडा में मसाला चले जाए। और मैंने साथ में स्वाद अनुसार नमक डाला है। हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। मैं अंडा करी में 1 गिलास पानी का यूज़ कर रही हूँ। आप इससे भी ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। अंडा अब फ्राई हो चुका है मसाला तरी में। अब मैं अंडा को डाल रही हूँ। सभी को डाल लेना है, और चम्मच से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमको अंडा डालने के बाद सब्जी को ढक कर 10 मिनट पकने देना है, ताकि अंडा के अंदर सभी मसाले चले जाएं। मैंने इसमें 1 शिमला मिर्च और 1 टमाटर, जिसे मैंने मोटे मोटे साइज़ में काटा है, मैं अब इसे अंडा करी में डाल रही हूँ। मैं इसे लास्ट में डाल रही हूँ, इससे अंडा का टेस्ट और भी बढ़कर आएगा, बहुत टेस्टी लगता है। 10 मिनट पकने दे रहे हैं। ढक्कन खोला है, देखिए तेल पूरा ऊपर आ गया है। बहुत ही टेस्टी बनी है ढाबा स्टाइल अंडा। धनिया पत्ती डालकर बस हमको गैस को बंद कर लेना है, और हमारी अंडा करी तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी साथ खाइए, या फिर चावल के साथ खाइए, बहुत बहुत टेस्टी लगती है। दोनों के साथ बहुत टेस्टी लगती है।